Welcome to my YouTube channel, Maths with Fun. This is Karimullah, mathematics teacher at RBA Public School, Larkana. Today we are here to discuss about trigonometry. आज हम जो बात करेंगे वो trigonometry के बारे में बात करेंगे, basics से शुरू करेंगे, आगे चल के इसकी problems वगैरह और इसकी जो level है advanced तक जाएंगे. पहले जब तक हमारा बेस नहीं बनेगा तब तक हम किसी भी चीज़ पर ग्रिप हासिल नहीं कर सकते. तो चलते हैं पहले trigonometry है क्या, ठीक है, वो मालूम करते हैं. trigonometry is taken from Greek words trigono which means triangle and metron which means measurement. It means trigonometry is the study of measurement of triangles, angles of triangle, sides of the triangle. हम trigonometry में क्या करते हैं, triangle के बारे में पढ़ते हैं, उसकी side, उसकी angles जो भी हैं, उसके बारे में जो भी इल्म होता है वो किस में आता है, trigonometry में. अब हम इसके ratios वगैरह, angles वगैरह मालूम करने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं trigonometry क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, हम पढ़ते क्यों हैं. तो trigonometry जो हमारी है वो किस में, नेविगेशन में यूज़ होती है, ठीक है. नेविगेशन में कैसे, हमारी ट्राइंगल की एंगल होती है, फिर उसका डिस्टेंस वगैरह मालूम करते हैं, ये शिप जो पोर्ट से कितना दूर है, और जो है ये हम इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है हमारी ये trigonometry, और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर ये trigonometry यूज़ होती है. डेली लाइफ में कोई भी किसी भी चीज़ की हाइट मालूम करनी हो और हमें बेस और उसकी जो एंगल मालूम हो, ठीक है. तो अब हम चलते हैं बेसिक की तरह. तो ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है इसकी थीटा है, ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है. दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए बी और सी, इसमें अल्फा क्या है. अब जब भी हम कॉस थीटा साइन थीटा रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना इसमें पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ से मालूम करते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. हमेशा यही हाइपोटेन्यूज रहता है हमारा. ठीक है, अब जो हमारी ये साइड है और ये साइड है, ये क्या, अब हम इसे ए कहते हैं, ये इसके अपोजिट है ए, इसे हम बी कहते हैं, ये इसे हम कह रहे हैं सी है, ठीक है. ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है. अब हमारा बेस और परपेंडिकुलर एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ये क्या है, हमारी थीटा है यहाँ पर, तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड हो गई. ये क्या है, एडजेसेंट साइड, और ये क्या है, अपोजिट साइड. ठीक है, थीटा है तो यहां पर जो है अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एडजेसेंट साइड हो जाएगी. ये हमारे हाइपोटेन्यूज ही रहेगा. और ये एंगल के अपोजिट साइड पर है, ये एंगल है इसके अपोजिट पर है, तो ये क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई. एंगल के बराबर जो होता है इसे हम बेस भी कहते हैं. एडजेसेंट को क्या कहते हैं, बेस, और अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर. ये क्या एंगल्स होती हैं, जो तीन एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ये जो तीन साइड हैं हम इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है. क्या है, ये एलिमेंट्स है ट्राइंगल्स के, ये तीन साइड एक दो तीन, और ये जो एंगल्स हैं तीन, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल हैं. अब हम साइन थीटा मालूम करें, ये साइन थीटा, हमारी साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा और कॉस थीटा में अपॉन में हाइपोटेन्यूज आता ही आता है, ठीक है.
तो हमारा पहले क्या आ गया, परपेंडिकुलर या कहते हैं अपोजिट साइड, थीटा इसके अपोजिट साइड में क्या, ये ए, इसे हमने क्या नाम दिया, ए, या इसे अभी कह रहे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कह लें या अपोजिट साइड कह लें, और ये क्या है आप हाइपोटेन्यूज, और हमारा कॉस थीटा बराबर होता है बेस या एडजेसेंट साइड कह लें इसे, बेस या एडजेसेंट अपान में हाइपोटेन्यूज, और हमारा टेन थीटा है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब ये हमारा थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या है बेस हमारा ये है एडजेसेंट साइड है, और हाइपोटेन्यूज ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे इस साइड को हम ए कह रहे हैं, इसको बी और ये सी, तो ये हमारी साइन थीटा क्या आ जाएगी, इसे हमने अपोजिट साइड को क्या कहा था ए, और हमने हाइपोटेन्यूज को कहा है सी, कॉस थीटा किसके बराबर है हमारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस एंगल की जहां पर एंगल होती है उसकी लाइन एडजेसेंट पे ही बेस होती है, एडजेसेंट साइड को ही हम बेस कहते हैं, ये एंगल है ये एडजेसेंट साइड है, ये एंगल है ये एडजेसेंट साइड है या क्या है बेस है, तो एंगल वाली साइड पर, ये हाइट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दें कि जो सीधी है यही परपेंडिकुलर, नहीं एंगल को देखना है, ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है, हमने इसे एडजेसेंट कहा है क्योंकि एंगल के करीब है, ये उसके अपोजिट साइड पर है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं या अपोजिट साइड, ये क्या है परपेंडिकुलर, शार्प फॉर्म में लिख रहा हूँ पी आर पी, ठीक है ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि थीटा के अपोजिट है, ये हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के अपोजिट है, ये एडजेसेंट एंगल है, थीटा यूज है, एंगल यूज है, ठीक है, तो एंगल को देख कर हम बता रहे हैं, तो बेस बेस हमने क्या बी सपोज किया है, तो ये बी अपान में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या है सी, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन थीटा, परपेंडिकुलर वाली लाइन को हमने क्या एम किया है और बेस को हमने बी से किया है, ये बी। अब यहां पर आते हैं, हम हाइपोटेन्यूज को एच कह रहे हैं, सपोज कह रहे हैं ये एच है, ये एडजेसेंट एंगल को हम पी कह रहे हैं, सॉरी बेस कहते हैं तो बी से डिनोट कर रहे हैं, और अपोजिट परपेंडिकुलर साइड है पी कह रहे हैं, ठीक है, तो साइन थीटा हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट क्या है ये है परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब परपेंडिकुलर लाइन उसे यहाँ पर क्या है ये बी सपोज किया, ठीक है बी का नाम दिया बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है सी, कॉस थीटा सॉरी ये थीटा नहीं है अल्फा है, एंगल क्या लिए है अल्फा, एंगल अल्फा है ना, कॉस अल्फा, ये क्या होती है हमारा बेस या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, बेस को हमने बी लिया था हाइपोटेन्यूज को एच, अब बेस को क्या ये एंगल के साइड एडजेसेंट ऐसे बेस कहते हैं, एंगल के करीब वाली लाइन को क्या कहते हैं हम बेस कहते हैं, बेस हमारा यहाँ पर क्या है ए है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज सी है, टेन थीटा टेन अल्फा सॉरी क्या होती है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी है अपॉन बेस हमारा क्या है ए, दूसरी जो तीन एंगल्स हैं
वो क्या इनके अपोजिट होती है। साइन के इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस के इनवर्स होता है सेक। तो सेक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सी अपान ए, हमारा कोसेक क्या हो जाएगा सी अपान बी। काट इसके इनवर्स होता है टेंजेंट के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बी ओ ए अपान बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक। अब हम इसके चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हमें कुछ भी ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, अभी हम हमें पूछ रहा है कॉट थीटा क्या होगा इसका, साइन थीटा, सेक थीटा, तो हम कैसे मालूम करें। देखें एक डायग्राम है या एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम पहले पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें इसकी एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और क्या हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो ये हमेशा लाइन जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है इस बॉक्स के अपोजिट, वो होता है हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट फॉर्म में एच वाई पी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा के जो करीब होता है इसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, या हम इस साइड को बेस कहते हैं। और थीटा के अपोजिट जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में पी आर पी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये, पहले आपने ये याद करना है कि साइन के अपोजिट क्या होती है, कोसेक होती है। देखिए कोसेक इक्वल वन अपॉन साइन थीटा। कॉस के अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। एस के अपोजिट सी है, सी के अपोजिट एस है, ये याद रखना। सी सी से नहीं मिलाना, कॉस का कोसेक नहीं, कॉस का सेक होगा। सिंपल फर्स्ट लेटर जो है चेंज होना चाहिए, ये हिंट दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, ठीक है। तो साइन का कोसेक अपोजिट, कॉस का जो है सेक अपोजिट होता है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। कोसेक इजिकल वन अपान साइन थीटा, सेक इजिकल वन अपान कॉस थीटा, कॉस थीटा इजिकल वन अपान टेन थीटा। अब हमने एंगल के हिसाब से इसके अपोजिट जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के अपोजिट जो थीटा के अपोजिट क्या होता है, अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लिखा, एक साइड बच गई बेस हो गई। अगर ये ऐसे होता यहाँ पर थीटा होता तो 90 के अपोजिट तो हमारा हाइपोटेन्यूज ही होता है, ठीक है। और अब इससे एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा एडजेसेंट साइड हो गई, बेस हो गया, ठीक है। तो अब इसकी साइड्स दी हुई है, इसे हमने ए कहा, इसके ये ए है, ये सी है, और ये बेस बी है, ठीक है। तो अब हम हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, ए। हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है, सी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है, बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। ये सी दिया हुआ है, सी किया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, परपेंडिकुलर को रिप्लेस करें इसके साथ, बेस क्या है, बी है, तो बेस को बी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये क्या है, आसान है। पहले हमने क्या इसको सिर्फ एंगल साइड्स को नाम देने हैं, ये मालूम करना है एंगल को यूज करके, एंगल के अपोजिट 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, रह गई एक साइड वो बेस हो गई। एंगल हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट, ये क्या है थीटा है, एंगल दी हुई है, उसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, रह गया एक साइड वो बेस होती है। अब हम चलते हैं, कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इनवर्स कर दें, ये क्या हो जाएगा, ऊपर इसे नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपान ए।
sec is equal to 1 upon cos, cos के inverse है, इसे ऊपर लाएं, b को नीचे लाएं, तो ये हो जाएगा c upon b, tan theta inverse है किसके, पर tan cos theta के, cos theta is equal to 1 upon tan, तो ये हमारी b ऊपर आ जाएगी, b, और ये क्या है, नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो हमने रेशो मालूम करना सीख लिया, अगर हमें, यहाँ पर कह रहा है वैल्यूज दे रहा है ए बी और सी के, कह रहा है ये हमारी ए जो है 4 है, सी हमारी क्या है, कह रहे हैं 6 है, बी हमारी क्या है 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, इसे हम 3 कह रहे हैं, ये 5, ठीक है, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेन्यूज 9 है, तो अब साइन किसके, साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, अपान में क्या हाइपोटेन्यूज 5, ये साइन का रेशियो मालूम हो गया, ऐसे ही हम कॉस का मालूम करेंगे, कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, 5 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, अपॉन बेस क्या है 3 है, ये 3 है, ऐसे ही अब इसका इनवर्स करते जाएंगे, ये होता है साइन के इनवर्स, तो क्या आ जाएगा 5 ऊपर ले जाएंगे 5 अपॉन 4 नीचे ले आएंगे, ये इनवर्स होता है sec के, तो sec क्या हो जाएगी 5 ऊपर ले जाएंगे 5 अपॉन ये 3 नीचे ले आएंगे 3, ये ऊपर ये नीचे काट के लिए 3 अपॉन 4, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एंगल से कैसे हम एंगल कैसे मालूम करेंगे, साइन थीटा का रेशो का थीटा का, और एंगल के को कैसे यूज़ करके हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसका जो एक्सटेंड एडवांस लेवल करेंगे, और इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं साइड किसी भी वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गए वो हम इंशाल्लाह करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।